हेलो एवरीवन, ईयर 2003 में इंटेल ने अपना पहला डेस्कटॉप पीसी लॉन्च किया था जिसमें 64 बिट सीपीयू का यूज हुआ था। अब यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 2013 में एप्पल वालों ने अपना आईफोन 5S रिलीज किया जो कि पहला ऐसा स्मार्टफोन था जिसमें 64 बिट सीपीयू का यूज हुआ था। अब इन सब सीपीयूज के पहले जो हमारे कंप्यूटर्स में सीपीयू यूज होते थे, यानी कि 32 बिट और इन 64 बिट सीपीयूज में डिफरेंस क्या है, तो हमें एक बहुत ही बेसिक सी बात पता है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी कि वंस एंड जीरोस। अब आते हैं बिट्स पे। 32 बिट एंड 64 बिट सीपीयू के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी हम बात करते हैं एक सिंगल बिट के बारे में। अब अगर एक पल के लिए हम इस डिब्बे को एक बिट मान लें, तो इस एक डिब्बे के लिए, इस एक बिट के लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो दो होंगी, क्योंकि या तो इसमें एक जीरो आ सकता है या फिर इसमें वन आएगा, तो यही दो वैल्यूज इसमें हो सकती हैं। तो इस ये मैक्सिमम दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर हमारे पास दो डिब्बे आ जाए, एक ये डिब्बा और एक ये डिब्बा, यानी कि हमारा सीपीयू अब दो बिट का हो गया, तो दो डिब्बा दो बिट। अब दो बिट के लिए अगर हम मैक्सिमम वैल्यूज की बात करें, तो या तो पहला ये कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों डिब्बे में जीरो जीरो आ जाए, दूसरा ये कॉम्बिनेशन होगा कि दोनों डिब्बे में वन वन आ जाए, तीसरा ये कॉम्बिनेशन होगा कि पहले में जीरो आए और दूसरे में वन आ जाए, या फिर चौथा ये होगा कि पहले में वन आए और दूसरे में जीरो आ जाए। तो ये दो डिब्बे के लिए, दो बिट के लिए मैक्सिमम फोर वैल्यूज आएंगी, तो ये दो बिट मैक्सिमम फोर वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसी तरह अगर हमारे पास तीन डिब्बे आ जाए, यानी कि हमारा सीपीयू तीन बिट का हो जाए, तो हमारा सीपीयू मैक्सिमम 2 to the power 3 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका जो ग्रोथ हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास n डिब्बे आ जाए, अगर हमारे पास n बिट आ जाए, तो वो मैक्सिमम 2 to the power n वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह 32 बिट मैक्सिमम 2 to the power 32 वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा, विच इज नियर अबाउट 4 billion वैल्यूज। अब ये नंबर ऑफ बिट्स इतनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो ये नंबर ऑफ बिट्स सिंपली हमें ये बताता है कि ये मैक्सिमम कितनी मेमोरी हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 32 बिट सीपीयू आर्किटेक्चर मैक्सिमम 4 GB तक के रैम को हैंडल कर सकता है। उसी तरह एक 64 बिट सीपीयू आर्किटेक्चर मैक्सिमम 2 to the power 64, यानी कि 16 billion GB तक के रैम को हैंडल कर सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। एंड आई विल सी दिस गुड लुकिंग फेस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।